वेलकम टू कैप्टन एक डिफेंस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कि एग्रीकल्चर में जो जो इक्विपमेंट जो मशीनें यूज ली जाती है उनके बारे में, ठीक है, और इनकी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देसी हल के बारे में कि देसी हल क्या होता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मोल्ड बोल्ड प्लाउ या हल। थर्ड नंबर पे आता है हमारा हैरो। क्या आता है, हैरो। क्या आप में से किसी ने हैरो देखा है पहले, कैसा होता है? नहीं देखो। हम पढ़ रहे हैं हैरो। हैरो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। अगर हम इसी यंत्र का प्रयोग मिट्टी के ढेरों को तोड़ने, इसलिए जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं उनको तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, खरपतवार को काटने के लिए। और मेन वर्क याद रखना, हैरो का मेन वर्क क्या है, खरपतवार को काटने के लिए। काटता कैसे है कि तवे लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, तवे। देखे सबने पोहे खाए, पोहे ठेले पे, घर पे नहीं। तो जिस तवे में जो बनाता है पोहे ठेले वाला, वो तवा कहीं का होता है, वो उसी का तवा होता है हीरो का। खराब होने के बाद में वो खरीद देता है उसको और पोहे बनाने के काम में देता है। तो तवा थोड़ा सा इस टाइप से रहता है। अब वो तवा क्या है, इस टाइप से लगे रहते हैं 5-6 तवे, एक फिक्स रोड होती है, इसमें बेरिंग लगे रहते हैं, तवे तवे लगे रहते हैं और इस टाइप से घूमते, कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे। अब यहाँ पे सपोज करो कोई तवा लगा हुआ है तो क्या करेगा, इस टाइप से टेढ़ा रहता है तो क्या करता है, खरपतवार को काटता है। क्या करता है, खरपतवार को काटता है, और जैसे काटेगा तो उसमें मिट्टी भी भरने में आती है, मिट्टी उलट उलट होती रहती है। तो मेन वर्क क्या है इसका, मिट्टी के ढेरों को तोड़ेगा और दूसरा खरपतवार को क्या करेगा, काटेगा। मेन इसका यूज वहां पे किया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा खरपतवार होते हैं, वीड्स उगते हैं। क्योंकि खरपतवार क्या होते हैं, मेन कल्टी है, अगर कल्टी से हम मकाई करेंगे तो खरपतवार बीच में रह जाते हैं, इसकी वजह से खरपतवार नष्ट हो ही नहीं पाते। तो वहां पे हम किसे यूज करते हैं, हैरो का। जहां पे सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से बक्कर जानते हो, बहुत ज्यादा हार्ड सोइल रहती है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड मजबूत मिट्टी जहाँ पे रहती है, उसको तोड़ने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, हैरो का यूज किया जाता है। कल्टी उस पर नहीं चल पाती, क्यों नहीं चल पाती, कल्टी ऊपर हो जाती है बार बार, तो अच्छे से उसमें जमीन में जा ही नहीं पाती, धसी नहीं पाती, तो कल्टीवेटर से आकाई नहीं कर पाते। लेकिन हैरो क्या करता है, चक्के की तरह घूमता है, तो आराम से मिट्टी को काटते हुए उसको क्या कर देता है, कल्टीवेट कर देता है, कल्टीवेशन कर देता है, जिससे खरपतवार कटते हैं, दूसरा मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं, मिट्टी को मिलाने और मिट्टी उस तवे में भर के बार बार उलटती है, पलटती है, तो उसके से क्या होती है, मिट्टी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है, मिल जाती है सोए। सतह को समतल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और सतह भी क्या होती है, समतल हो जाती है, जहां पे ज्यादा मिट्टी रहती है वहां से भर के आगे डाल देता है उसको, उसके पास तो सारी सारी मिट्टी कैसी हो जाती है, लेवल हो जाती है। तो हैरो का मतलब आपको समझ में आ गया कि किस लिए और कहां पर इसका यूज करते हैं। एक तो यूज याद रखना, वीड जहां पे ज्यादा होंगे वहां पर, और जहां पे सोइल हार्ड होगी वहां पर हम इसका यूज करेंगे, याद रहेगा। यह कितने प्रकार के होते हैं हैरो, मैं भी तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ये तो याद रखना कि इसमें तवे लगे रहते हैं, मेन हैरो का नाम आते हैं तवे आएंगे वहां पे। तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिस्क हैरो। कौन सा हैरो होता है, सबसे पहले नंबर से नाम से पता चल रहा, पर डिस्क क्या होता है, गोल संरचना, गोल स्ट्रक्चर। तो डिस्क हम किसको बोलते हैं, जो तवा रहता है जो पोहे के ठेले पे लगा लेता है, जो तवा जो उसमें लगा लेता है, उस तवे को क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, याद होगा। इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है उस डिस्क का, डायमीटर जानते हो ना, सर्कल पड़ा हुआ है सबने, ये क्या है, वृत्त, यहां से यहां तक लेकर, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, मतलब इसकी यहां से यहां तक की लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो जो डायमीटर होता है इसका, डिस्क का वो कितना होता है, 12-24 इंच का, कितना होता है, याद रहेगा सबको, 20 डिग्री पे टिल्ट रहता है। 20 डिग्री कौन देखे, वो जो ऐसे बीच में थोड़ा खड्डा टाइप रहता है इस टाइप से, तो 20 डिग्री पे घुमा हुआ है, कितने डिग्री पे घुमा हुआ है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये सीधा सरफेस है, तो ये तो 180 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा इस टाइप से घुमा दूंगा, तवा देखा है आप लोगों ने, तवा ऐसे रहता है बीच में खड्डा रहता है, आसपास थोड़ा घुमा हुआ रहता है, तो इस टाइप से थोड़ा ये बन गया यहाँ पे, तो 20 डिग्री के कोण पे बना रहता है, कितने डिग्री पे एंगल में, 30 डिग्री, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डिस्क हैरो होता है उसका डिस्क कितने डिग्री के कोण पे बना रहता है, तो क्या बोलोगे, 20 डिग्री पे टिल्ट रहता है, याद रहेगा। और डायमीटर पूछा जाए तो 12-24 इंच। जो डिस्क हैरो होता है, तो डिस्क नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें डिस्क लगी रहती है, क्या लगी रहती है, डिस्क। अब ये तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है डिस्क हैरो, 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंगल एक्शन, कैसा होता है, सिंगल एक्शन, दूसरा होता है डबल एक्शन, और थर्ड होता है ऑफसेट एक्शन। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सिंगल एक्शन क्या होता है, सिंगल एक्शन में क्या होगा,
डायग्राम देख लो आप इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या लगे रहेंगे, तवे, समझ पा रहे हो इसमें क्या लगे रहेंगे, तवे। अभी ट्रैक्टर से आगे से जैसे खींचा जाता है इसको, तो ये तवे क्या करते हैं, घूमते हैं, और घूमने की वजह से मिट्टी क्या करती है, कट जाती है और मिल जाती है, खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। इसमें मतलब सिंगल का मतलब है कि सिंगल रहता है ऐसे कैसे, ठीक है, तवे। इसमें डबल नहीं रहता, डबल का मतलब हो जाएगा कि एक और हो जाएगा इधर। अभी जो डबल देखेंगे ना, सिंगल में सिंगल तवे रहेंगे सिर्फ, कितने, एक तो इस साइड और एक इस साइड, और ट्रैक्टर से आगे खींचा जाता है, ठीक है। फिर तवे घूमते हैं, घूमने की वजह से क्या होती है, मिट्टी कट जाती है, खरपतवार कट जाते हैं और कल्टीवेशन हो जाता है। आ गया समझ में, इस टाइप से इसमें तवे लगे रहेंगे। और इनमें पता है क्या होता है, बियरिंग लगे होते हैं, बियरिंग आते हैं ना, बियरिंग बोलते हैं डायरेक्ट, तो बियरिंग की वजह से क्या होता है, वो घूम पाता है, रोटेट हो पाता है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, अगर बियरिंग नहीं आ रहा, ये दो लोहे की रोड होती है, ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है, गोल गोल तवे। अब आ रहा है समझ में, गोल गोल इनके तवे होंगे, और तवों के यहाँ पे क्या होंगे, बेरिंग होंगे दोनों तरफ, क्या होंगे, बेरिंग से क्या होता है, कोई चीज घूमने लग जाती है। तो तवे क्या करेंगे, घूमेंगे पूरा का पूरा, मतलब इसको और अच्छे से अगर हम देखें, यहां से यहां तक लेकर एक रोड लगा दी मैंने, यहां लगा दिए बेरिंग, क्या लगा दिए, बेरिंग। तो बेरिंग की वजह से पूरे घूमेंगे चारों एक साथ, कैसे घूमेंगे, चारों एक साथ घूमेंगे, और एक साथ घूमने की वजह से क्या होगी, मिट्टी कटेगी। अब आ गया समझ में, तो ये तो होता है सिंगल एक्शन एरो, कौन सा एरो, मतलब इसमें सिंगल एक्शन। अगला आता है डबल एक्शन एरो, कौन सा आता है, डबल एक्शन एरो। तो डबल एक्शन में क्या होता है कि इसमें सिंगल लगा हुआ है, डबल में क्या हो जाएगा कि डबल हो जाएगा, दो ऊपर और लग जाएंगे। अब ट्रैक्टर इसको खींचेगा तो चारों में काफी ज्यादा होंगे चार, तो चारों से अच्छे तरीके से मिट्टी मिक्स हो जाएगी, सारे के सारे खरपतवार कट जाएंगे। अगर इससे रहेगा तो इससे कट जाएगा, इससे रहेगा तो इससे कट जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, चारों एक साथ चलते हैं। खरपतवार कट जाएंगे तो डबल एक्शन हो गया। अगला आता है ऑफसेट एक्शन, ऑफसेट एक्शन में कुछ भी नहीं होता, सेम सिंगल जैसा होता है ना, सेम वैसा होता है, लेकिन इसमें इसमें तो इस टाइप से रहते हैं और ऑफसेट में कैसे रहेंगे, ऑफसेट मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में रहेंगे। देखो इसमें तवा इधर की तरफ है थोड़ा सा, इसमें तवा इधर की तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सेम इसी का इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट, तो इसको बोलते हैं ऑफसेट एक्शन। तीनों एरो का एक ही वर्क है, ये क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, दूसरा खरपतवार को खत्म करेंगे, और जहां पे हार्ड सरफेस होगी उसको तोड़ देंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गए, किसको, इसको इस टाइप से इधर, ठीक है, फ्रेम रहता है पूरा का पूरा, और उस फ्रेम को बोल दिया जाता है, क्या करते हैं उस फ्रेम को बोल देते हैं। आगे देखेंगे हम जब हम फील्ड में चलेंगे, वहां पे अच्छे से देखेंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास ड्रैग हीरो, कौन सा हीरो आता है, ड्रैग हीरो। अब ड्रैग हीरो में क्या होता है कि डिस्क नहीं लगी हुई, डिस्क मतलब वो तवे नहीं लगे रहे, तवे जानते हो ना सब, कोए वाले तवे नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या होंगे, स्पाइक लगे होंगे, ये वाला देख रखा है, ये रेक्टेंगल सरफेस होती है, मतलब रेक्टेंगल साइज होती है, रेक्टेंगल जानते हो ना, आयत देखा है सर, आयत के जैसा होता है, और इसमें नीचे क्या रखे रहते हैं, स्पाइक टूथ, छोटे छोटे निपुले निकले रहते हैं, क्या निकले रहते हैं, स्पाइक टूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइक टूथ। और इसका जो आकार है कैसा होता है, रेक्टेंगल फ्रेम, आयताकार फ्रेम, और आगे जिससे ट्रैक्टर जुड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, और ये लगा हुआ है लीवर, लीवर क्या करता है, इसको ऊपर नीचे करने का वर्क करता है, ये जो फ्रेम है निकले हुए ना सिरे, इनको ऊपर नीचे करने का वर्क करता है। अब ट्रैक्टर इसको आगे खींचेगा तो इससे क्या होगा, एक तो मिट्टी लेवल हो जाएगी, किससे हो जाएगी, मिट्टी लेवल हो जाएगी, और एक तरीके से बड़े बड़े जो ड्रेन होंगे वो फूट जाएंगे, निकले होते हैं, तो इससे क्या होता है, खरपतवार नहीं कटते हैं, खरपतवार किससे कटते हैं, डिस्क एरो से, क्योंकि नॉर्मल एरो है, इससे क्या होगा, हकाई के बाद में इसका यूज करते हैं, जब हकाई के बाद में मोटे मोटे ढेरे निकलने लगते हैं तो उसको इसकी सहायता से तोड़ दिया जाता है और मिट्टी लेवल हो जाती है, इससे समझ में आ रहा है आप लोगों को। थर्ड आता है ब्लेड हीरो, कौन सा हीरो आता है, ब्लेड हीरो। अब ब्लेड हीरो मतलब ब्लेड देखिए आप सब लोगों ने, इसमें भी सेम ऐसा ही रहता है, जैसे इसमें निकले हुए हैं तो इसमें
ब्लेड रहती है, क्या रहती है? बिल्कुल ब्लेड, जो क्या करती है, काटने का वर्क करती है। किसका वर्क करती है? काटने का। तो मिट्टी को भी काटती है और खरपतवार होते हैं तो उनको भी काटती है। अब इसका डायग्राम देखो तुम, इसका डायग्राम कैसा होता है? सेम ऐसा होता है। जो न्यूक्लियस है ना, ये ऊपर नहीं निकले हुए, इनको कैसे समझोगे? ये नीचे रहते हैं ऐसे, ठीक है? नीचे की साइड रहेंगे ऐसे नीचे, जैसे ये यहाँ ब्लेड लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ब्लेड। और आगे क्या लगे हुए हैं? हुक। हुक की सहायता से हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर से इसको जोड़ देते हैं और फिर ऐसे खेत में चलाते हैं। क्या करते हैं? खेत में चलाते। तो ये दोनों सेम है, लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं? खरीफ और रबी सीजन में। कब करते हैं? खरीफ और रबी सीजन में। इसमें तुम्हें ये जो डायग्राम है थोड़ा ट्रायंगल टाइप होता है। कैसा होता है इसका? त्रिभुजाकार होता है। और इसका कैसा होता है? दोनों में डिफरेंस नजर आ गया। इसमें ब्लेड लगी रहेगी यहाँ पे, जमीन के अंदर जैसे जाएंगे, जमीन के अंदर जैसे दसेंगे तो क्या करेंगे? कोई खरपतवार आएगा तो उसको भी काट देंगे, मिट्टी को भी बराबर कर देंगे। मेन तीनों का वर्क एक ही है, कल्टीवेशन करने का। किसका वर्क है? कल्टीवेशन करने का। हाँ सर, ये सारे इन सारी चीजों का उपयोग करेगा तो भी है तमिल क्या? कोई गरीब किसान होगा तो कैसे करेगा? सबका अलग अलग सीजन में यूज किया जाता है। जैसे समझते हैं हम इसको, छोटे से अभी जो हमने फसल की बुआई की है अभी इस टाइम पे खरीफ सीजन में, इससे पहले क्या हुआ? बारिश होती है और जमीन गर्मी में बहुत एक तरीके से हार्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? पूरा जो जून जुलाई का जो महीना है उसमें धूप पड़ती है डायरेक्ट सोयल के ऊपर, और उससे वो सोयल जो होती है इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको हम कल्टीवेटर से तोड़ ही नहीं पाते। तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ता है? हैरो का। और जो अभी किसान खास पर बुआई करेगा, ये कटेगी खरीफ वाली, और कौन सी फसल की बुआई होगी? रबी की। तो उस सीजन में कल्टीवेशन से काम चल जाता है, क्योंकि जमीन में नमी बनी रहती है तो कल्टीवेशन से अगाई हो जाती है। तो सबका अलग अलग टाइम पे हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे समझ में? अब जिस खेत में खरपतवार नहीं होंगे वहां पे हमें डिस्केरों की आवश्यकता है नहीं, वहां पे हम डायरेक्ट जो कल्टीवेटर आता है उसी से अगाई कर देंगे, कल्टीवेशन कर देंगे। फिर जिस खेतों की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? जहाँ जमीन बहुत ज्यादा हार्ड होगी और खरपतवार। आगे सबको समझ में? तो थ्री टाइप्स होते हैं, इनका डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे जो डिस्क हैरो है इसमें एक तो डायमीटर याद रखना, और क्या याद रखोगे? आगे सबको समझ में? ये हमारा तीनों हैरो, मतलब तीन जो हमारे हल थे वो पहले, एक तो पहला देसी हल हमने पढ़ लिया, दूसरा बोल्ट प्लाव हमने पढ़ लिया, और थर्ड कौन सा था? हैरो। तीनों किसके लिए यूज करते हैं? कल्टीवेशन के लिए। इनसे बुआई नहीं करते हैं, सोविंग नहीं करते हैं, याद रहेगा। सिर्फ इससे हम क्या करेंगे? जमीन को खोदेंगे। आगे सबको समझ में? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक तो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज के लिए नहीं काफी।